मौत के बाद एक हाथी ने अपना आपा खो दिया है। जानकारी के अनुसार इंदौर के चिड़ियाघर में हाथी मोती काफी गुस्से में है, जिसके चलते मंगलवार को उसने बाड़े में बनी जू की दीवारों को तोड़ दिया। समय रहते चिड़ियाघर प्रबंधन ने उसे कंट्रोल कर उसका इलाज शुरू किया। पिछले दिनों चिड़ियाघर में वर्षों से रह रही हथनी की मौत हो गई थी। वहीं उसका साथी मोती उसके बाद से काफी गुस्से में है। वहीं आज मोती ने चिड़ियाघर में बने हाथी के बाड़े को तहस नहस कर दिया। जब इस बात की जानकारी चिड़ियाघर प्रबंधन को लगी तो उसे कंट्रोल किया गया व उसका इलाज शुरू किया गया। चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव के मुताबिक हाथी की प्रजाति में उम्र के मुताबिक गुस्सा बढ़ता जाता है। वह साल में एक दो बार ऐसी हरकतें करता है जिसमें उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। फिलहाल हाथी मोती को ट्रैक्यूलाइज कर उसका इलाज शुरू किया गया है। बता दी कि यह हाथी बहुत कम उम्र की अवस्था में इंदौर के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह 40 वर्षों से अधिक समय से इंदौर के चिड़ियाघर में हो गया है। वह सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। देखिए मोती उसका जो मस्ट पीरियड रहता है, हर एलिफेंट का एक मस्ट पीरियड रहता है जिसमें एग्रेशन की तरफ बढ़ता है वो, और एग्रेशन में उल्टी सीधी हरकतें जरूर करते हैं इस तरह के एनिमल। लेकिन हम लोगों के पास कंट्रोल उसको मैनेज करने के लिए सारी व्यवस्थाएं रहती है। और अभी जिस तरह का उसने इंसिडेंस किया, दीवार तोड़ने का प्रयास किया था, क्योंकि दीवार को ज़्यादा नुकसान तो किया उसने, अब हम लोग उसको स्लाइड ट्रैंकुलाइज करके उसको कंट्रोल करें किया हुआ है। और अब कंट्रोल करने के बाद वो वाल रिपेयरिंग का काम चालू करेंगे, क्योंकि जब हाथी का नेचुरल बिहेवियर ये रहता है जब मस्त पीरियड में रहता है स्पेशली, तब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हरकतें और इस तरह का एग्रेसिव जो मूड उसका रहता है वो इस तरह का एग्जिबिट करता है। वो पहले भी इस तरह के हरकत कर चुका है, हथनी पे भी हमला कर चुका है। हाँ, वो थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर है हमारा मोती, चूँकि फोर्थ जिस तरह का एक्सपर्ट ने उसको डायग्नोस किया था, उसका जो फिजिकल एग्जाम्पल सेंटर जो अथॉरिटी की तरफ से हुआ था इसकी स्पेशली इसी के बिहेवियर को लेके, तो वहाँ पर जो उसका एग्रेशन था वो फोर्थ डिग्री का एग्रेशन था। और फोर्थ डिग्री का एग्रेशन होना किसी एनिमल्स के लिए थोड़ा सा खतरनाक जरूर होता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स हम लोगों को जितने लेना चाहिए वो सारे लेना रहता, वो जो एडवाइस किए तो सारे लिए। उसके बाद भी इस तरह की उसने जो घटना की है उसको हम लोग जरूर उसको थोड़ा सा और वाल को स्ट्रेंथनिंग काम करेंगे ताकि फ्यूचर इस तरह का प्रयास न करें। हुआ सर, मोती को कब लाया गया था जू में, कितने वर्ष? मोती बहुत छोटा था, करीब 30-40 साल से यहीं पे है वो, और जब से छोटे बचपन से वो यहाँ पे है।